नितिन देसाई सुसाइड केस, पत्नी ने 5 लोगों को ठहराया पति की मौत का जिम्मेदार, केस दर्ज। कंपनियों के लिए लैपटॉप टैबलेट कंप्यूटर के इंपोर्ट पर नहीं है बैन, सरकार ने दी सफाई। आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होती, सजा पर रोक के बाद राहुल गांधी का बयान। नीलकंठ में की पीएम मोदी की बहन बसंती बेन ने पूजा अर्चना, सीएम योगी की बहन शशि देवी से भी की मुलाकात। पाक की नेशनल असेंबली ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर रोक लगाने के लिए पास किया विधेयक। राहुल गांधी को मिली राहत, भारत के आम लोगों की जीत, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। टिल्लू ताजपुरिया मर्डर केस में चार्जशीट में 6 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला हुआ दर्ज। ज्ञानवापी मामले पर सीएम योगी का बयान, कहा सही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की टिप्पणी। सिख विरोधी दंगा केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलवंगेश हत्याकांड में जगदीश टाइटलर को दी अग्रिम बेल। राहुल गांधी को सुप्रीम राहत, मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। वाराणसी ज्ञानवापी में जुमे की नमाज के लिए रोका गया एएसआई सर्वे, नमाज के बाद शुरू हुआ सर्वे। नुह मेवात में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 4 घंटे में 200 से ज्यादा झुग्गियों पर चला बुलडोजर। नुह हिंसा मामले में वायरल वीडियो पर बिट्टू बजरंगी के खिलाफ फरीदाबाद में FIR दर्ज। हरियाणा के नुह हिंसा के बाद बड़ा एक्शन, SP वरुण सिंगला को हटाया गया। मणिपुर पुलिस ने संयुक्त अभियान के दौरान पहाड़ी इलाकों में बनाए गए कई बंकरों को किया तबाह। उत्तराखंड गौरीकुंड में बारिश ने मचाई तबाही, पहाड़ी से गिरा मलबा, 13 लोग लापता। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और कुलगाम में मिलिटेंसी गतिविधियों को लेकर NIA की छापेमारी शुरू, एक हिरासत में। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड में भारी बारिश, पहाड़ी से गिरे मलबे में दुकानें बही, कई लोगों के दबे होने की आशंका। ये मोदी आज केरल में दुनिया के पहले सत्य साईं बाबा मंदिर का लोकार्पण करने पहुंचे। ज्ञानवापी में सर्वे पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, आज हुई सुनवाई। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में चुनाव पलटने की कोशिश के इल्जामों में खुद को बताया निर्दोष। पाक इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज तोशा खाना मामले में पूर्व PM इमरान खान की याचिकाओं पर सुना चुकी है फैसला। इंडिया गठबंधन के नाम पर मामला अदालत पहुंचा, दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। और मणिपुर में फिर हालात तनावपूर्ण, कई जगहों पर गोलीबारी की घटनाएं।